जी दारुल उलूम जाने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे से ना हमें लेफ्ट टर्न लेना है क्योंकि हमें अंदर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा अंदर। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं। आप कभी भी अगर देवबंद में आते हैं या देवबंद से निकलते हुए कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार जरूर आए यहाँ पे। तो जी दोस्तों ये पहुंच गए हम यहाँ पे दारुल उलूम के गेट पर। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दारुल उलूम का गेट है दोस्तों, और यहीं पे हम गाड़ी पार्क कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो आपको पूरा अंदर का नज़ारा दिखाते हैं दारुल उलूम का दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत इमारत है दोस्तों दारुल उलूम की, मज़ा आएगा देख के ना। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो देखते हैं, चलो चलते हैं। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है और चलो निकलते हैं और चलते हैं, घूमते हैं दारुल उलूम। और ये पहुंच गए हम दोस्तों दारुल उलूम में। देख सकते हैं आप ये है दारुल उलूम की मेन बिल्डिंग, देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ से ये है एंट्रेंस गेट दोस्तों यहाँ से, और मेन वाला एंट्रेंस गेट खुला नहीं है अभी, तो हम यहाँ से आए हैं। ये थोड़ा दूसरे वाला रास्ता है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने लोग आ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखो हम पहुँच चुके हैं दारुल उलूम में, और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ भाई। यहाँ का ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे ना, अल्टीमेट। ये देखो भाई ज़बरदस्त है। मैं एक बार आपको ना सुपर टूपर व्यू भाई ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे ना। ये देख सकते हैं आप पूरा, ये दारुल उलूम की बिल्डिंग है पूरी, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है, ज़बरदस्त बहुत ही। और यहाँ पे ना रोक टोक कुछ नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, किसी के लिए भी कोई भी मतलब ऐसे पाबंदी नहीं है कि भाई कोई ये नहीं आ सकता है, कोई भी सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं, किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है। शिवा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त ना भाई, बहुत ही मस्त है, ज़बरदस्त एकदम नज़ारा देखो पूरा पूरा। मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। और दोस्तों ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा दारुल उलूम की बिल्डिंग है, देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है। आपको दिख रहा होगा पूरा व्यू आ रहा होगा, मैंने क्योंकि सुपर व्यू कैमरा कर दिया है, लेंस कर दिया है पूरा का पूरा कैमरे का। और ये देखिए ना हॉस्टल है दोस्तों यहाँ पे ना, लोग सऊदी अरब तक के आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अरबी मदरसे में पूरी अपनी एजुकेशन लेते हैं जो भी कुछ होता है। और ये यहाँ पे ना सामने आप देख सकते हैं पूरी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी को ना दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया है। और ये हमारे देवबंद में है दोस्तों, देख सकते हैं आप ये पूरा, देख सकते हैं आप ये पूरा बिल्डिंग है दारुल उलूम की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। और इसका परिसर ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आप कभी भी देवबंद में आओ या देवबंद से आसपास में निकलते हुए जा रहे हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करना इसको, क्योंकि देखने लायक चीज़ है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप कभी भी आओ तो देख के ज़रूर जाना यहाँ पे ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है देखने के लिए यहाँ पे, अल्टीमेट चीज़ है भाई देखने के लिए। आप कभी भी आओगे तो ज़रूर देख के जाना। कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पे आके सिवा ये बता? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पहले नहीं देखा था ना, इससे पहले हमने बताओ यार, देवबंद में रहते थे हम, अपने देवबंद के पास में गांव में रहते हैं, लेकिन इतनी बार रोज़ देवबंद आना होता है लेकिन कभी भी हम यहाँ पे नहीं आए, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। और ये सब आपकी वजह से हो पाया है क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालने लगा, तो अब कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए मैंने सोचा चलो, और आज इसने भी बनाया ये माहौल ना कि चलो दारुल उलूम घूमना है। तो चलो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है यार, आप कभी आओ ना दारुल उलूम, मतलब देवबंद में निकलते हुए भी जा रहे हो ना तो एक बार ज़रूर आना यहाँ पे देखने के लिए। बिल्डिंग आपको ने देख ही ली कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये देखो पूरा ना सामने आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये सामने आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे आपका शेखुल हिंद एकेडमी दारुल उलूम देवबंद।
और ये देखिए यहाँ पे ना पूरा हॉस्टल है, और इधर चल रहे हैं हॉस्टल का मैस, तो लोग खाना खाने गए हुए हैं अभी, देख सकते हैं। और ये पूरी बिल्डिंग है भाई, बहुत ही मतलब मुझे तो मज़ा आ गया आज ना, दिन बन गया भाई इसको देख के ना, ज़बरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट है, ज़बरदस्त एकदम मज़ा आ गया मतलब देख के ना। तो चले फिर, अभी कहाँ चलेंगे? दारुल उलूम तो हमने घूम लिया है पूरा भाई, बहुत ही अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है। तो आपको सजेस्ट करूँगा एक बार कि कभी भी अगर आप देवबंद आओ तो एक बार दारुल उलूम ज़रूर आना देखने के लिए, क्योंकि देखने लायक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आप ज़रूर आना एक बार देखने के लिए, ज़बरदस्त चीज़ है। तो देखो पूरा नज़ारा दारुल उलूम देवबंद का। तो दोस्तों पूरा दारुल उलूम हमने घूम लिया है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो गाइस पूरा देवबंद घूम के आ चुके हैं हम लोग, और अभी शाम के बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रही है, 1:51 हो चुके हैं दोस्तों। और अब पीते हैं चाय, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, दोपहर में कुछ खाया नहीं है, तो अभी चाय पीते हैं, चाय और नाश्ता करेंगे चाय के साथ में। तो गाइज यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है, चाय भी आ गई, ये देखो चाय, चाय मस्त है। और नाश्ते में देखो क्या है हमारे, दिख रहा होगा आपको, ये घी है, ये नोनी घी है, चाय का निकला हुआ ताज़ा ताज़ा, नोनी घी बोलते हैं ना मम्मी इसको, और ये है नमक की रोटी। भाई सारे नाश्ते एक तरफ, और ये ना ये वाली चीज़ एक तरफ, मज़ा आ जाता है गांव में आके ना, ये सबसे बेनिफिट होता है खाने का, खाने में कोई कमी नहीं होती। तो गाइज अभी नाश्ता पानी हो गया है, चाय वाय पी ली है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।